नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल उड़ी बाबा में। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र चौहान और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन लोगों का अभी तक पैसा नहीं आया है या दोस्तों कोई भी पीएम किसान को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस वीडियो में आपको पीएम किसान का कस्टमर केयर नंबर बताने वाला हूं, उनसे कॉल करके बताने वाला हूं कि कैसे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। जैसे ही दोस्तों क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, क्रोम ब्राउज़र को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से ही सर्च किया है, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट दिख रही है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको जैसे ही मैं जूम करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपको दो नंबर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। नंबर है दोस्तों 10112430606। एक तो नंबर दोस्तों ये हो गया, दूसरा नंबर है दोस्तों 155261। तो दोस्तों कोई भी आपको एक नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसको कॉपी करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा वेट करना होगा, यहाँ से आपको अच्छे से कॉपी जो है इसको कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आपको कॉल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। जैसे ही दोस्तों कॉल करेंगे तो आपको पीएम किसान का जो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा वो आपको ध्यान से सुनना है कि वो क्या बोल रहा है दोस्तों, वैसे ही आपको करते जाना है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। ये पीएम किसान का कस्टमर केयर नंबर हेल्पलाइन नंबर दोस्तों है। तो दोस्तों अब आपको देखना होगा, मैं यहाँ पर कॉल करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है दोस्तों, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी पीएम किसान को लेकर वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कॉल करके आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी थोड़ा लाइन बिजी है तो थोड़ा वेट करना होगा आपको, मैं फिर से एक बार कॉल करके बताने वाला हूँ दोस्तों। लाइन बिजी बता रही है तो थोड़ा दोस्तों आपको वेट करना होगा, आपको लगाते रहना है 4-5 बार 6 बार, आपका लग ही जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ना लगे, मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखाऊंगा। स्वागत है, कृपया बीप के पास अपना पंजीकृत 10 अंकों का मोबाइल नंबर या 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर अंकों के अनुसार बताएं या डायल करें। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो मेरा नंबर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपका पीएम किसान में ये नंबर रजिस्टर्ड होता तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व हो जाती दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आप भी पीएम किसान के कस्टमर केयर नंबर से बात करके अपनी प्रॉब्लम को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।